हेलो भाई, मैं हूँ नहीं हूँ यार। आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। भाई आज अपने साथ खड़ी हुई हुंडई की अल्कजा, इसे आप बोल सकते हो हुंडई की इकलौती सेवन सीटर कार। मतलब हुंडई में इसके अलावा कोई भी सेवन सीटर कार नहीं आती। महंगी महंगी लग्जरी बहुत सारी मिल जाएंगी, जैसे आपकी ट्यूसॉन हो जाती है, क्रेटा के टॉप एंड्स में चले जाइए, बहुत मिल जाएंगी। लेकिन अल्कजा इकलौती सेवन सीटर है हुंडई की। और ये अपने साथ जो इसका वेरियंट खड़ा हुआ है ना, फीचर देखोगे यार, अलॉय व्हील, ऊपर ध्यान दोगे तो सन रूफ, रूफ रेल्स, ऑटोमेटिक एसी, मतलब बहुत कुछ मिलता है इसके अलावा भी। लेकिन आप कार को देख रहे हो, आपको लग रहा होगा टॉप एंड वेरिएंट है। भाई रियलिटी में बताऊं, ये इसका बिल्कुल बेस प्रेस्टीज वेरिएंट आज अपने साथ खड़ा हुआ है, जो कि 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ हमें देखने के लिए मिलता है। इतना बढ़िया बेस वेरियंट, मतलब आप ये बेस होगा ना तो टॉप कोई लेने ही नहीं जाएगा। ये वो वाला वेरियंट है, मतलब जिस कार से हम कहते हैं ना ये बेस जैसे ग्रैंड विटारा में बोलते हैं, बहुत बढ़िया बेस वेरियंट है, बहुत बढ़िया है। लेकिन भाई इसके आगे सारे बेस वेरियंट्स फेल हैं। तो इतना बेहतरीन ऐसा कोई फीचर नहीं जो इस कार में छोड़ दिया गया हो। फिलहाल एक तरफ से फ्रंट से सारे फीचर्स को स्टार्ट करते हैं और कार की बात करते हैं फ्रंट से। भाई भाई अगर कार की फ्रंट से बात करूँ, वह आप देख लीजिए बेस वेरियंट है, ऊपर से नीचे तक कहीं से कहीं तक बेस नहीं लगेगा। हेडलाइट DRL हो गई, फॉग लैंप हो गई, सब कुछ LED मिलता है। मतलब कहीं से कहीं तक भी हेलोजन का नामो निशान नहीं मिलेगा आपको इस कार में देखने के लिए। और पूरे ट्राई प्रोजेक्टर LED देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर DRL होगी और नीचे देखेंगे तो फॉक लैंप यहाँ पर आपको कंपनी ऑफर कर दे रही है। और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक स्किड प्लेट भी देखने के लिए मिल जाती है। एकदम बल्की लुक, मतलब जैसे क्या गए भाई, तो क्रेटा की तरह था काफ़ी हद तक लुक, लेकिन बहुत बढ़िया एक लग्जीरियस कार आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है फ्रंट से। भाई भाई अगर कार के साइड में चलें, साइड में हमें यहाँ पर कंपनी क्या क्या ऑफर कर दे रही है तो यहाँ से देखिए। सबसे पहले तो अलॉय व्हील, अगर अलॉय व्हील पे बात करूँ कितने इंचेस के मिल रहे हैं, तो भाई ये हमें देखने के लिए मिल जा रहे हैं 17 इंचेस। कितना मिल रहा है? 215 75 R 17 17 इंचेस के टायर डी कट अलॉयज के साथ। आगे डिस्क ब्रेक कंपनी यहाँ ऑफर कर दे रही है। और ये साइड में ध्यान देते हैं तो भाई पीछे भी डिस्क, बेस वेरियंट है फिर बता रहा हूँ, ऑल फोर डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जा रहे हैं। और अगर यहीं पर मैं 0.5x करता हूँ, यहीं पे अगर आप इसके अपर वेरियंट्स में जाएंगे तो यही टायर साइज 18 इंचेस का हो जाता है। बस लोअर में आपको ये मिल जा रहा है कि भाई ये 17 इंचेस के देखने के लिए मिल रहे हैं। भाई अगर बात करूँ ORVM, भाई इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल, बहुत छोटी सी बातें हैं इसके लिए। मतलब इतनी भारी भरकम कार और ये सब दे दिया जा रहा है, जब तो ये बहुत छोटी सी बात रह जाती है। भाई अगर बात करता हूँ यहाँ पर डोर हैंडल, तो भाई बिल्कुल क्रोम है, लेकिन वो नॉर्मल क्रोम नहीं है जो शाइन करता है, ये है डार्क क्रोम। डार्क क्रोम आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर आप ध्यान देंगे रूफ रेल से यहाँ पर कंपनी आपको ऑफर कर दे रही है। और नीचे की तरफ सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी, स्किड प्लेट बोल सकते हैं, क्लैडिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। भाई भाई अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो इसमें हमें 4500 mm की लेंथ देखने के लिए मिल जाती है। और व्हील बेस की बात करूँ, जो अंदर स्पेस बनाता है वो लगभग 2750 के समथिंग समथिंग आता है। अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। भाई अगर बात करूँ, भाई ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े ग्लास पैनल्स हैं। आप डोर को ओपन कीजिए, देखिए लगभग 90 डिग्री, कितनी वाइड ओपनिंग आपको देखने के लिए मिलती है। सेम यहाँ देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया इस तरह से पूरा अच्छे से ओपन आप कर सकते हो इस तरह से। और भाई अगर बात करूँ, ये डीजल वेरियंट अपने साथ खड़ा हुआ है। डीजल की कैपेसिटी 50 लीटर की हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। रियर साइड में आते हैं अगर कार के, तो भाई शार्क फिन एंटीना, रियर डिफॉगर, वॉशर यूनिट, मतलब ऐसा कोई फीचर ही नहीं है जो इस कार में छोड़ा गया हो, कहने के लिए बेस वेरियंट है भाई। रियर साइड में लाइट्स हो गई अपनी अल्कजार की, बैजिंग हुंडई का लोगो, और कैमरा भी होगा। बिल्कुल ये देखिए, कैमरा भी यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। अभी यहाँ पर वो नहीं हुआ भाई, क्योंकि ये पुराने वेरिएंट्स हैं, मतलब पुराने में ही अपडेट हो गई थी ये कार, तो इसलिए ये आ रहा है आपका पूरा क्रोम वाला। वरना तो अब नॉर्मल जो होता है ना, साल्टर सिल्वर फिनिश में अब आने लगा है हुंडई का लोगो। बाकी रियर साइड में अगर सेंसर की बात करूँ तो 1 2 3 4 चार पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जा रहे हैं। अगर बूट को ओपन करूँ तो वही ऑटोमेटिक नहीं है, मुझे लगा अपने आप ओपन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और बूट की बात करूँ नंबर में, तो भाई अर्टिगा से ज़्यादा है, अर्टिगा से कम है, सॉरी अर्टिगा में मिलता है 209 लीटर समथिंग, और इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है 180 लीटर का बूट स्पेस। भाई अगर नीचे बात करें भाई स्पेयर व्हील, तो भाई ये सब औजार रहे हो, इस बटन को खोलेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ आपका स्पेयर व्हील आ जाएगा, जो कि अंडर बॉडी प्लेस रहता है। बाकी एक बूट लाइट और हैंग हैंग करने के लिए सामान वहाँ पर मिल जा रहा है। गन रिपोर्ट है। अब चलते हैं कार के इधर, और इधर क्या चलना भाई, कार के अंदर ही चलेंगे। एक और अच्छी सी बात बता देता हूँ, बिल्कुल बेस वेरिएंट है, उसके बावजूद भी भाई कीलेस एंट्री देखने के लिए मिल रही है। की मिल रही है भाई, क्रेटा वाली अपनी की मिल जाती है। लॉक अनलॉक होल्ड करके रखेंगे, इंजन स्टार्ट हो जाता है, इसे होल्ड करके रखते हैं तो बूट अनलॉक हो जाता है। अंदर चलें तो भाई ये रिक्वेस्ट सेंसर, लॉक हो गई कार, बंद हो गए, अनलॉक हो गई,
पाँ पाँ भाई इसी के तो दीवाने हैं, कितने लोग तुम पाँ पाँ के, पहले टू टू बंद कर दे। हाँ जी, अब आते हैं इधर। तो भाई ये रहा अपने आरबीएम को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड करना, और ये हुंडई की पहचान रही है, बंद गाड़ी पे भी ये वर्क करता है। सेंट्रल लॉकिंग, ऑल फोर विंडो हो गई पावर, और ये क्या हो गया, ये अपना चाइल्ड सेफ्टी लॉक भाई विंडो को लॉक करने के लिए। स्पीकर ट्विटर, स्पीकर ट्विटर, दो स्पीकर इधर भाई, 6 से 8 स्पीकर, शायद मे भी 8 स्पीकर आपको इसमें मिलते हैं। अगर 8 मिलते हैं, कम होंगे तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। बाकी नीचे बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जा रहा है आपको यहाँ पर, डन रिपोर्ट है। इधर आते हैं भाई, बेस वेरियंट है, फिर बता रहा हूँ, ये देख लो, हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हो, रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हो, फ्यूल को यहीं से ओपन करना है, बाकी बोनट यहाँ से ओपन हो जाएगा। इधर ध्यान दें तो ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप, और अपना ये क्या हो गया, हेडलाइट लेवलर हो गया, ये पुश बटन भाई कीलेस। इधर ध्यान देते हैं अगर सीट पे, तो अंडर थाई सपोर्ट अपने तरीके से बहुत बढ़िया, मतलब ये तो अल्टीमेट है, बिल्कुल अल्टीमेट है। बाकी कार के अंदर बैठते हैं, हाँ भाई हाइट पे है, कड़ी ऐसा नहीं फील हो रहा है कि आप हाइट पे नहीं बैठे हुए, बहुत बढ़िया हाइट पे हैं। और गाड़ी के पहले तो बटन दबाते हैं भाई, ये जी क्या बेहतरीन, एक अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बिल्कुल। ये हो गया अपना टैकोमीटर, स्पीडोमीटर भाई डिजिटल फॉर्म में बेहतरीन। बाकी भाई ये हो गया अपना स्पीडोमीटर, इधर यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्यूल गैस टेम्परेचर गैस, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ चेंज कहाँ से होगी, तो यहाँ से होगी, ये देखिए एवरेज यूरिया लेवल, क्योंकि डीजल है, ठीक है ध्यान दे पा रहे हैं, ठीक है। ये आ गया टाइम, ये स्पीड आ गई थी, अच्छा डिजिटल फॉर्म में देखनी हो तो ड्राइव इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ से आ जाएगा, ओके तो ओके हो जाएगा रीसेट। बाकी क्रूज़ कंट्रोल यहाँ से लग जाएगा भाई, क्रूज़ कंट्रोल मिल जा रहा है। इधर ध्यान दीजिए तो क्या मिल जा रहे हैं भाई, अपने सारे फीचर, इन्फोटेनमेंट और कॉल वॉल अटेंड करनी है तो वो यहाँ से कर लो। डीकट स्टेयरिंग मिल जा रहा है, ये सब कुछ भाई कंपनी से है, ऐसा नहीं आफ्टर मार्केट कुछ किया हो। राइट साइड में ऑटोमेटिक हेडलाइट्स, वो भी LED वाली, लेफ्ट साइड में अपने वाइपर के कंट्रोल हो गए, ठीक है डन रिपोर्ट बिल्कुल। अब आते हैं इधर भाई, इतना बड़ा म्यूज़िक सिस्टम, ये लगभग 10.25 इंच का हमें देखने के लिए मिल जाता है, जो क्रेटा वेटा में नहीं आता था, बिल्कुल 2 कॉपी वही देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। बाकी नीचे देखेंगे तो ऑटोमेटिक AC देखने के लिए मिल जा रहा है, 12 वोल्ट 180 वॉट का सॉकेट, USB और सी, ये चार्जिंग पिन मिल जा रहा है USB में, और भाई वायरलेस चार्जर, बताइए कौन सा वेज वेरियंट भाई वायरलेस चार्जर देता है, हद कर दी है तो बिल्कुल। और इधर देखिए तो ये पूरा साल्टा सिल्वर फिनिश, 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन का गियरबॉक्स भाई, रिवर्स इस तरह से सीक्वेंशनल है अपना। ये आ गया कैमरा भाई, इधर ध्यान देंगे तो ये अपने क्या होगा, 2 कप होल्डर हो गए, और आर्मरेस्ट, तो भाई आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट के अंदर ये इतना स्पेस भाई बहुत बढ़िया। इधर ध्यान दें ग्लव बॉक्स, तो ठीक ठाक है, कूल देखने के लिए मिल जा रहा है, बढ़िया सा आगे डैशबोर्ड भाई, ऑटोमेटिक IRVM देखने के लिए मिल जा रहा है। इधर ध्यान देते हैं तो लाइट्स LED में भाई साहब, सनग्लास होल्डर, ये सब बेस वेरिएंट है। और एक चीज़ बहुत बढ़िया सी दिखाऊं भाई साहब, पैनारोमिक सनरूफ मिल रही है इस कार में आपको, पैनारोमिक सनरूफ, बताइए ये देखिए, देख लो भाई जलवे देख लो पैनारोमिक सनरूफ के, है बेहतरीन भाई, पूरी खुल गई सनरूफ बढ़िया से भाई, फिर बता रहा हूँ बेस वेरिएंट है, जैसे चाहिए ना उठा लो, मौका मिलेगा नहीं बार बार, इतने बढ़िया। इसे बंद कर देते हैं भाई अपना फटाफट। बाकी अगर मैं आगे और बात करता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे पा रहे हो, एम्बियंट लाइटिंग भाई, बेस वेरिएंट में यहाँ पर एम्बियंट लाइटिंग भी कंपनी आपको ऑफर कर दे रही है, बताओ और क्या लोगे कंपनी से भाई, इतना सब कुछ तो ऑलरेडी आपको ऑफर करके दे रही है। लेकिन बस भाई एक उतरते हुए बात है भाई, बेस वेरिएंट यहाँ से पता चल जाएगा ये सब कैसा है भाई, हार्ड टच है, कुछ भी सॉफ्ट टच यहाँ देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। ये साल्टा सिल्वर फिनिश में आपको हैंडल्स और ये सब दे दिया जा रहा है। बाकी रियर साइड में आते हैं तो रियर साइड में भाई कुछ सर भाई साहब, ये देख रहा प्रीमियमनेस यहाँ से आती है, ये इसे बोलते हैं प्रीमियम कार भाई, ठीक है डन रिपोर्ट है। इधर आते हैं सीट, 60-40 में तो होनी होनी है, क्योंकि पीछे जाने के लिए जगह कहाँ से देंगे। अंडर थाई सपोर्ट अपने तरीके से बहुत बढ़िया है, 2 हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं एडजस्टेबल, बैठ के देखें तो भाई बहुत सही है, बहुत सही मिल रहा है। बाकी मैं रिक्लाइन एंगल सेट करूँ कहाँ से होगा भाई, होना तो चाहिए ये रहा, हाँ जी भाई बेहतरीन, मतलब मज़ा आ जाएगा। लाइट भी मिल जा रही है कि यहाँ पे ये इस तरह से, ठीक है। बाकी और रियर साइड में अगर मैं बात करता हूँ भाई, रियर AC वेंट हो गया, चार्जिंग के लिए USB हो गई, फ़ोन वोन रखने का स्पेस हो गया। अब चलते हैं पीछे, और पीछे चलने के लिए इस वाली सीट से पीछे चलेंगे और फिर देखते हैं स्पेस हमें पीछे कैसा मिल रहा है देखने के लिए। बाकी उसके लिए तो भाई पूरा घूम के आना पड़ेगा अपने को, इधर से यहाँ पे। अब इसे फोल्ड करते हैं तो भाई फोल्ड करने का ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा, ये रहा और ये गई पीछे। ये ग्रिप पता है क्यों दी जाती है, पैर स्लिप ना हो,
हाँ जी भाई, स्पेस तो देखो कम रहने वाला है रियर साइड में, बिल्कुल जायज़ बात है। बाकी एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाऊँ, थर्ड रो पे बैठोगे फिर भी अपने हिसाब से एसी कंट्रोल करोगे थर्ड रो की। यूएसबी में चार्जिंग पिन अपनी मिल जा रही है भाई, यूएसबी सॉकेट और रियर एसी वेंट होगा। सबसे बढ़िया बात तो ये है भाई, ये अपने हिसाब से सेट कर लो। बताओ थर्ड रो की एसी, थर्ड रो के लिए अलग से सीट बेल्ट, अलग से लाइटिंग मिल जा रही है। यहाँ पे ऑन कहाँ से होगी, यहाँ से। बहुत सही चीज़ है भाई, प्रीमियमनेस। मतलब यहाँ पे हुंडई ने पता है क्या कोशिश की है कि आप चाहे बेस वेरियंट ही क्यों ना लो लेकिन प्रीमियमनेस बरकरार रहनी चाहिए। मतलब कार आप बेस वेरियंट लो लेकिन प्रीमियमनेस नहीं छोड़नी है, बस भाई प्रीमियम प्रीमियम रहेगा बिल्कुल। चलिए अब कार के इंजन की बात कर लेते हैं और भाई इसके सेफ्टी फीचर्स, और बेस वेरियंट के लिए भी आखिर हमें रुपए कितने देने पड़ रहे हैं 7 सीटर डीजल कार के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं भाई, अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करूँ, उस टाइम लगे था गाड़ी की हाइट देखी नीचे से भाई कितनी ऊँची। मतलब गाँव की रोड्स वोड्स पर भी कहीं ले जाओगे ना तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि इसमें 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अगर बेसिकली बात करूँ ना, एक सेडान कार जैसे ऑरा आती है उसमें कितना मिलता है, उसमें लगभग 170 mm आता है, जबकि यहाँ आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। नहीं भाई, अगर बात करूँ इस भारी भरकम गाड़ी बेस वेरियंट आखिर, तो इसका इंजन क्या है, अगर घोड़े क्या फिट किए गए हैं, तो अगर इसमें इंजन की बात करूँ तो इसमें जो इंजन मिलता है 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि 113 BHP की पावर और 250 Nm का टॉर्क निकाल कर हमें दे देता है, जो कि सफिशियंट है। मतलब अच्छी खासी पावर आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। वहीं अगर बात करूँ भाई सेफ्टी में क्या क्या मिल जा रहे हैं फीचर्स, तो ABS हो गया, EBD हो गया, ESP हो गया, हिल होल्ड कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल तो मैंने आपको अंदर भी दिखाया था, ये सारे फीचर्स हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं भाई अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये अपना जो वेरियंट है वो है प्रेस्टीज 1.5 लीटर के डीजल इंजन के साथ 7 सीटर में, जिसका अगर मैं बेस वेरियंट के प्राइस की बात करूँ तो आपको 17,78,000 रुपये एक्स शोरूम देखने के लिए मिलती है, जो कि ऑन रोड आते आते लगभग लगभग हमारे यूपी के बरेली सिटी में 20,50,000, 20,70,000, मतलब आप मोटा मोटा बोल सकते हो 20,65,70,000 के अराउंड में आपको ये ऑन रोड देखने के लिए मिल जाती है। फिलहाल प्राइस के अकॉर्डिंग देखो भाई बहुत सही है, फीचर भर भर के हैं, बेस वेरिएंट है, उसके बावजूद भी ऐसी कोई कमी नहीं है इसमें जो आपको देखने के लिए नहीं मिले, तो ओवरऑल एक अच्छी डील आपको यहाँ देखने के लिए मिल सकती है। चलिए तो कुछ इस तरह से थी अपनी कार। कार पसंद आई, वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।